Hello everyone, Daniel is here back again with another video. This is the very first video of Java beginners playlist. In the couple of next videos, we will cover features of Java. We have a 10 to 12 features of Java. We will cover at least three features of Java in a single video. So now in this video, I will cover three features. As you can see in the rectangular box, simple, object oriented and the robust. Now let's start with the first one. Now we have a simple. What is the feature called simple? What does it mean? Now we have a very first bullet point is about syntax is quite simple. What does it mean? It does not mean that aap koi bhi cheez bas simply English mein likhte hain to syntax is easy. I'm talking about the C and C++ syntax as a comparison of Java syntax. Java syntax is quite easy. And as you know, C and C++ is a little bit confusing syntax. And we have a second bullet point about automatic garbage collection in Java. Agar aapne C++ mein programming ki ho, to wahan pe aapko manual garbage collection खुद ही करना पड़ती थी. वहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होती थी. अगर आपके पास कोई अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो आपको खुद ही करना पड़ती है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अगर आपके पास कोई अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट है या हो गया है, वो यूज़ एक बार हुआ उसके बाद नहीं हुआ, तो ये उसको खुद ही ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के अंदर डिलीट कर देता है, ले जाकर ही जो कि हीप मेमोरी से डिलीट कर देगा. जैसे हमारे पास एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ई, और उसको हमने नीचे पास करा दिया ई इक्वल टू नल, तो ये अनरेफरेंस जो हीप के अंदर जो क्रिएट हो रहा होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा फ्रॉम द हीप मेमोरी. इससे जो होगा कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट चलेगी, ना कि एरर प्रोवाइड करेगी और जो स्लो होगी. नाउ वी हैव अ थर्ड बुलेट पॉइंट अबाउट रिमूव कन्फ्यूजिंग एंड अनएम्बिगियस कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस. एग्जाम्पल्स में हमारे पास है एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सप्लिसिट पॉइंटर. वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉइंटर, इम्प्लिसिट पॉइंटर एंड द एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स. एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस आर लिटिल बिट कन्फ्यूजन. नाउ वी डोंट नो अबाउट द मैनेजमेंट एज अ बिगनर. जब कोई प्रोग्रामर सी प्लस प्लस स्टार्ट करता है, उसे कोड के सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा था, और वहाँ पर अगर वो पॉइंटर्स यूज़ करने बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जावा के अंदर एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से जावा एक तो सिंपल है. उसके बाद ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो दूसरा नाम है वो है एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म. ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की तरह बिहेवियर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है बिगिनर्स को. नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. If you did not about concept of object oriented, so it's not a problem. We will talk about the later in this course. So now, Java is a pure object oriented programming language. It means you cannot write any variable method outside the class. If you make a object outside the class, you have to initialize in the class. Or har kaam jo bhi aap koi bhi वर्क करेंगे वो क्लास के अंदर रहते हुए ही करेंगे. मल्टीपल क्लासेस आपके पास होती है, मल्टीपल क्लासेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इट्स प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. नाउ वी हैव अ सेकंड बुलेट पॉइंट अबाउट जावा कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एज इट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मॉडल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि हम बाद में एप्लीकेशन बनाने के बाद में अपनी मर्जी से उसको जिस तरह चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर हम सिंगल क्लास में वर्क करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो जाती है. लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो रूल्स हैं वो प्रॉपर फॉलो करें, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. और जो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो कुछ ही हैं. मल्टीपल क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है, क्लासेस जो है हम उसे ब्लू प्रिंट कहते हैं. ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल बेस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं किसी चीज़ के लिए जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. और उसके बाद जो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, जो नीचे फोर बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास फोर प्रिंसिपल्स कहलाते हैं ऊप के. ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये आपको आने चाहिए. हम इस प्लेलिस्ट के अंदर ये चीज़ कवर करेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन.
इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है रोबोस्ट का. नाउ वी हैव अ फर्स्ट बुलेट पॉइंट अबाउट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. हमने अभी गार्बेज कलेक्शन की बात की है, लेकिन जावा के अंदर हमारे पास चार किस्म के गार्बेज कलेक्टर होते हैं जो के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा काम आते हैं. हम खुद से ऐसी गलतियाँ कर देते हैं एप्लीकेशंस के अंदर जो हमें पता नहीं होता, लेकिन ये ऑटोमेटिक उसको हैंडल कर लेता है और हमारे पास एक एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है खुद से. और इसके अलावा जो है हमारे पास है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट. ये हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट जो क्रिएट हो रही होती है हीप के अंदर एड्रेसेस वगैरह उसको बहुत प्रॉपरली मैनेज कर लेता है. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर 3 नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा. सो एंजॉय.